Renugri from SBS Children Academy. Students, look at this picture and what are these children doing? Can you tell me? ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? Yes, they are going to the school. As you know that we all go to school. Some of us go by bus, some students go by bicycle and some students go by bike or car with their parents. जैसे कि आपको पता है कुछ बच्चे स्कूल बस से जाते हैं, कुछ बच्चे अपनी बाइसिकल यानी कि साइकिल से जाते हैं, कुछ बच्चे अपने पापा के साथ कार में या बाइक पर आते हैं ना. सो व्हाट आर दीज? दीज आर डिफरेंट वेज विच आर यूज फॉर गोइंग टू स्कूल. ये अलग अलग तरीके हैं जिससे बच्चे स्कूल में, अलग अलग साधन हैं जिससे बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं जिसके थ्रू. ओके, सो दीज आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. उसको क्या कहा गया है? उसको अलग अलग ट्रांसपोर्ट कहा गया है. कुछ लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ एयर ट्रांसपोर्ट एंड कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि हमें अभी इस चैप्टर में देखना है. एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 15, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. चैप्टर 15, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमने ऑलरेडी बताया कि कुछ बच्चे स्कूल बस से जा रहे हैं, कुछ बच्चे बाइक से जा रहे हैं, कुछ बच्चे कार से जा रहे हैं. तो वो क्या है? वो है डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स. प्लीज आइडेंटिफाई इट एंड राइट द नेम ऑफ दीज पिक्चर्स. यस, फर्स्ट वन इज बस, सेकेंड वन इज ट्रेन, थर्ड वन इज कार, फोर्थ वन इज बाइसिकल, फिफ्थ वन इज रिक्शा, सिक्स्थ वन इज एरोप्लेन, सेवेंथ वन इज शिप एंड एट्थ वन इज ऑटो रिक्शा. है ना ये सब? Now, these are called vehicles. They are used to travel on land, on water and in air. So, these are the different means of transport. आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में means of transport पढ़ेंगे. Means of transport. So, there are three means of transport. That is land transport, air transport water transport. So there are three types of transport: land, air and water. So first we have to see land transport. Okay, students, look at these pictures. Yes, these are different types of land transport. Okay, so all the vehicles we use to travel on land. हम ये सब जो vehicles दिखाई दे रहे हैं, ये सब किस चीज के लिए use करते हैं? We use on land. हम ये जो धरती पर चलने वाले साधन होते हैं वो ये सारे हैं. Okay, तो धरती पर चलने वाले साधनों को क्या बोला गया है? लैंड ट्रांसपोर्ट. एंड वी यूज रिक्शा, टोंगा, बाइसिकल और स्कूटर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड कार, बस, ट्रेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट है जो हम थोड़ी दूरी के लिए यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हम लंबी दूरी के लिए यूज़ करते हैं. ओके,
एंड ट्रेन रन्स ऑन रेल ट्रैक। आपको ये याद रखना है कि ट्रेन कहाँ चलती है, वो ट्रैक पर चलती है, वो पटरियों पर चलती है, ठीक है। धरती पर तो चलती है पर धरती से लगा होता है जो होता है ट्रैक जिस पे ट्रेन मूव ऑन करती है। ओके, सो दीज आर लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो व्हीकल जो धरती पर चलता है। सो ऑल द व्हीकल्स दैट वी यूज टू ट्रैवल ऑन लैंड दैट इज कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। सो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, पहले जमाने में लोग पैदल चलते थे या एनिमल्स के हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चाहे वो बुग्गी हो या घोड़े की सवारी हो या कैमल की सवारी हो, वो उनकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। बट आज इतने सारे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है हमारे पास, सो इनको अलग अलग मीन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज एयर ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट? यस, व्हीकल दैट वी यूज टू ट्रैवल इन एयर, जो हवा में उड़ने वाले साधन होते हैं उनको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और उन ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दीज आर सम एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, जैसे कि आपको पता है एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड थ्रू एयर, सो वी कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन फ्यू आवर। जैसे कि आपको पता है हम बड़ी दूरी को भी कुछ ही घंटे में कवर कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ओके, सो दे आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ लेट अस लुक वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट वो हो सकते हैं जो पानी के अंदर चलते हों, राइट? सो द व्हीकल दैट वी यूज ऑन वाटर दैट इज कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड द एग्जांपल्स आर, सी द पिक्चर्स, शिप, बोट एंड सबमरीन। एज यू नो दैट सबमरीन ट्रेवल्स अंडर वाटर, सबमरीन क्या होता है, पानी के अंदर चलता है, उसको उससे भी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर किया जाता है। नाउ लेट्स टेक अ रिकैप, आफ्टर दैट वी विल डू फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो फर्स्ट देर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स द व्हीकल्स दैट वी यूज ऑन लैंड दैट इज कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। वो व्हीकल्स जो धरती पर चलती हैं उनको हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ द सेकेंड वन इज एयर ट्रांसपोर्ट। सो द व्हीकल दैट ट्रैवल्स इन एयर, वो व्हीकल्स जो हवा में उड़ती हों उनको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। नाउ द थर्ड वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट। सो वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स द ऑल द व्हीकल्स दैट ट्रैवल ऑन वाटर, वो व्हीकल्स जो पानी पर चलती हों उनको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल बोट, शिप, सबमरीन। जैसे कि आपको पता है सबमरीन ट्रैवल्स अंडर वाटर, सबमरीन कहाँ चलता है, वो पानी के अंदर चलता है, उसको हम सबमरीन बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज स्पेल बी। दिस एक्सरसाइज इज इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 104, पेज नंबर 104। स्टूडेंट्स ओपन इट एंड स्टार्ट राइटिंग। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स वर्ड्स
and write them and write them twice. Mean to say is हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसको हमें रीड करना है और उस वर्ड्स को हमें दो बार लिखना है. एंड फर्स्ट वर्ड इज ट्रांसपोर्ट. सेकंड इज व्हीकल. थर्ड वन इज एरोप्लेन. फोर्थ वन इज ट्रैवल. फिफ्थ वन इज हेलीकॉप्टर. सो वी हैव टू राइट दिस वर्ड टू टाइम्स. ट्रांसपोर्ट वी हैव टू राइट टू टाइम्स. ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट. नाउ व्हीकल. Vehicle we have to write two times. So vehicle vehicle. Third one is aeroplane. Aeroplane aeroplane. Fourth one is travel. Travel travel. And the fifth one is helicopter. So helicopter. Helicopter. Students, there are some more words on page number 105 that you have to complete it in your textbook. And students, you have to learn the spelling of these words. हमें क्या करना है, इन spellings को अच्छे से learn करना है, क्योंकि exam में question answer पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको spelling आना ज़रूरी है. Okay? Thank you. Have a nice day.